ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो आजा भाई सॉल्व करते हैं। तो इसने बोला है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 59, 6.3 और 15। ठीक है, तो इन तीनों का स्क्वायर करना है। आपको पता होगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के लिए उस नंबर को उसी नंबर में फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उस नंबर का स्क्वायर निकल जाता है। लेकिन हम स्क्वायर निकालने के लिए इस ट्रिक का यूज नहीं करेंगे कि 59 का अगर निकालना हुआ तो 59 में 59 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 59 का स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, एक ये आइडिया होता है। हम बताएंगे दूसरा वाला आइडिया। ये है सबसे सिंपल, इससे आप जो है सिर्फ 5 सेकेंड में आप निकाल सकते हैं किसी भी 2 डिजिट के नंबर्स का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं, 59 का स्क्वायर निकालना है ना। क्या निकालना है? 59 का स्क्वायर। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? इस वाले नंबर को, इस वाले नंबर को, इस वाले नंबर को हमें स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। पहले इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, और अब इसका मल्टीप्लाई 5 × 9 × 2, 5 9 = 45, 45 2 = 90, यही होता है ना। थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, इस दोनों डिजिट नंबरों के बीच में स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो अब इतना लिख लिया। अब क्या करेंगे? एक नंबर को छोड़कर इसके 2 डिजिट के नंबर को ऐड कर देंगे, इसको छोड़कर अब इन दोनों को इसके साथ ऐड कर देंगे। अब क्या बच रहा है यहां? यहां 1 हो गया है, यहां बचा 8 में 0 को ऐड करेंगे 8 ही आएगा, और 9 में 5 को 14 आएगा। हाँ, 9 में 5 को अगर ऐड करेंगे, 9 5 14 होता है, तो 14 आएगा, उसमें से 4 को यहां लिख देंगे और बचेगा 1। 1 को अगले नंबर्स में ऐड कर देंगे, हो गया। तो आंसर आ चुका है 3481। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी 2 डिजिट के नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा इसका स्क्वायर, 59 का स्क्वायर होगा 3481। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, आप इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई करके निकालेंगे ना, इससे थोड़ी दिक्कत होगी, टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तो इतना ही क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसमें यही क्वेश्चन दिया गया है। एक अपने से नंबर लेके हम बता देते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हमें निकालना हुआ 15 का स्क्वायर, ठीक है, अगर 15 का स्क्वायर निकालना हुआ, या तो हमें निकालना हुआ 25 का स्क्वायर, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? निकालने का सिंपल सा आइडिया है। सबसे पहले इस वाले नंबर को, इस वाले नंबर को, दोनों को हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 5 5 जो कितना होता है? 25। ठीक है, 25। और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। तो यहां हमें हमेशा कोशिश करना है कि उसे हम 2 डिजिट में लिखें। तो 1 को 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे? 0 पहले बढ़ाएंगे, यहां फिर 1। ठीक है, 2 डिजिट में अब लिखा जा चुका है, 01 का मतलब 1 ही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1 5 = 5 2 = 10। ठीक है, तो इसको भी हम 10 लिखेंगे, लेकिन बीच में स्पेस रहेगा ताकि हमें ऐड करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब एक नंबर को छोड़कर इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, और इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर निकल चुका है 5 0 में 2 को ऐड करेंगे 2 ही आएगा, 1 में 1 को ऐड करेंगे 2 ही आएगा। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर क्या आ चुका है? 225। ठीक है, तो 225 हो गया ना, स्क्वायर हमने कर दिया। अब इसको अगर हमें करना हो तो इसमें भी वही करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इसको हमें कोशिश करना है कि 2 डिजिट में लिखें। तो 4 को हम किस 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे? पहले 0 लगाएंगे फिर 4। ठीक है, तो हो गया ना 2 डिजिट में। अब क्या करेंगे? फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर के साथ, और जो आएगा उसका मल्टीप्लाई 2 से। तो 2 5 = 10 2 = 20। ठीक है, 2 5 = 10 2 = 20। ठीक है, अब क्या करेंगे? पहला नंबर ये है, इसको ऐसे रहने देंगे। अब ये दूसरे नंबर को इसके बीच वाले नंबर के 1 0 के साथ ऐड कर देंगे। 2 में 0 को ऐड करेंगे 2 ही आएगा, और 4 में 2 को ऐड करेंगे क्या आएगा? 6 आएगा। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ठीक है, इस तरीके से बुक में तो ये सब नहीं दिया गया है 25। ठीक है, ये सिर्फ हमने समझने के लिए दो क्वेश्चन और हमने एक्स्ट्रा में सॉल्व किया है। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है।
और आपका मन करे तो सिंपल वाले बेसिक आइडियाज निकाल सकते हैं, 15 में 15 का मल्टीप्लाई करके 15 का स्क्वायर, 20 में 20 का मल्टीप्लाई करके 20 के स्क्वायर, 25 में 25 का मल्टीप्लाई करके 25 का स्क्वायर, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी। ठीक है, हमने ट्रिक बताना था, ट्रिक बता दिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, निकालना है 6.3 का स्क्वायर। कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए हम उसी ट्रिक का यूज करेंगे जिस ट्रिक का यूज करने किया था हमने इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। यहां लिखा हुआ है 6.3, तो कुछ समय के लिए इसको भूल जाते हैं, डेसिमल को कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसको सीधे सीधे मान लेते हैं, ये क्या 63 मान लेते हैं। अब हम समझ ले रहे हैं इसी का हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 2 डिजिट में लिखना है तो हम इसे 09 लिख सकते हैं। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, 36 हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर से जो आएगा उसका मल्टीप्लाई 2 से, 6 3 18 18 6 3 18, 2 36। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस नंबर को छोड़कर इन दोनों को ऐड करेंगे। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, ये 9 लिख लिया, 6 में 0 ऐड करेंगे 6 ही आएगा, और 3 में 0 ऐड करेंगे 9 आएगा, और यहां बचेगा 3। ठीक है, तो ये है 63 का स्क्वायर कितना आएगा, 39 69। लेकिन हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका 6.3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसको अब हम लिख लेते हैं 6.3, और इसका आंसर क्या आया है, 3969। ठीक है, डेसिमल 1 डिजिट पे था, अब 2 डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका स्क्वायर 39.69। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 39.69। देख लेते हैं आंसर यही दिया गया है कि नहीं। ठीक है, देख लेते हैं क्या है ये, 3A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, 3A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 39.69। ठीक है, यही आंसर आया हुआ है। ठीक है, और आप चाहेंगे तो 6.3 में 6.3 का मल्टीप्लाई करके भी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा सिंपल आइडिया निकालने का। ठीक है, और अब चलते हैं 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, ये हमें याद था इसलिए सीधे सीधे लिख दिया, लेकिन आपको स्क्वायर निकालना होगा तो 15 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी निकल सकता है, और मेरा वाला सिंपल आइडिया लगाएंगे तो भी निकल सकता है, तो लगा देते हैं 15। इतना आंसर आता है कि नहीं चेक करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, पहले 5 का स्क्वायर 5 5 25 लिख लेते हैं, और 1 का स्क्वायर, अरे ब्रैकेट में करने के बाद स्क्वायर लिखना होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हमें कोशिश करना है कि 1 को हम 2 डिजिट में लिखें। 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे, पहले 0 लगा लेंगे फिर यहां 1। ठीक है, अब वो आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर के साथ जो आएगा उसका मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 1 5 5 2 10। ठीक है, आप देखते हैं ये इसको छोड़कर इन दोनों को ऐड करेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां क्या बचा है, 5 बचा है, यहां 2 में 0 को ऐड करेंगे 2, 1 में 1 को ऐड करेंगे 2, तो ठीक है, तो आ चुका है क्या 225, कितना 15 का स्क्वायर आ चुका है 225। ठीक है, तो 225, ठीक है, तो देख लीजिए, तो ये आइडिया होता है किसी भी 2 डिजिट के डेसिमल नंबर को एकदम फास्टली बहुत तेज स्क्वायर निकालने का आइडिया, ट्रिक। ठीक है, तो आ जाओ भाई सॉल्व करते हैं। तो इसने बोला है बाय स्प्लिटिंग इनटू प्राइम फैक्टर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ इन तीनों का। ठीक है, तो इसने बोला है पहले तो इसको हम स्प्लिट करेंगे किसमें, प्राइम फैक्टर में। ठीक है, तोड़ेंगे, फिर उसके बाद इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है,
लिखा हुआ है फर्स्ट वाला 11025, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम स्क्वायर रूट में रख देते हैं, फिर इसको हम सामने इक्वल लगा देते हैं, और इसको जो है इसका रूट हटाने के बाद इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा यही हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसने क्या बोला है, स्प्लिटिंग इनटू प्राइम फैक्टर, तो इसको हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर में स्प्लिट करना है, तो इसको हम प्राइम फैक्टर में स्प्लिट कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है, 1125, ठीक है। तो इसको हम इसका पहले फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो किससे यह जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में है 5, 3 से कोशिश करते हैं, 3 जा 9 और 20 हो गया, 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ठीक है, चला गया। अब चलते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 से 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 से नहीं जा रहा है, 4 से जाएगा कि नहीं, 4 से नहीं जाएगा, 5 से सीधे, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है। अब 5 से 5 4 जा 20, 5 5 जा 5 9 जा 45 और 7 से जाएगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ 3 × 3 है ना, फिर आ रहा है 5 × 5, फिर आ रहा है 7 × 7, ठीक है, ये देखिए। तो अब हमने प्राइम फैक्टर कर लिया, फिर इसका यहाँ पेयर बनाना है, ठीक है। प्राइम फैक्टर कर लिया, उसको हमने यहाँ लिख लिया, अब इसको बनाना है पेयर, ठीक है। तो पेयर बनाते हैं, ये है पेयर पेयर पेयर, ठीक है। तो यहाँ 3 का एक बार पेयर हो गया, 5 का, फिर इधर 7 का, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 5 जा 15, अब कितना हो गया, 3 5 जा 15, 15 7 105, ठीक है। तो अब ये है स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो चुका है, किसका, ये 1125 कन्वर्ट हो चुका है स्क्वायर रूट में, तो इसका आंसर होगा 105, और चेक कर लेते हैं आंसर यही आया है कि नहीं, ठीक है। तो ये है 3A का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 105, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या है लिखा हुआ है, 3969 00, ठीक है, और इसको भी हम रूट के अंदर रखेंगे जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को रखा था, और अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमें इससे फैक्टराइज करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो 3969 ये है 00, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो सबसे पहले ये 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 5 जा 10, 0, ठीक है। और आगे चलते हैं, 2 से जाएगा, 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 9 जा 18, 1 बचा, ठीक है, 2 2 जा 4 हुआ, 2 2 जा 4 हुआ, 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये जाएगा 3 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ लास्ट में है 5, ठीक है। तो ये 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, और 3 से 2 तो जाएगा नहीं, दूसरा नंबर उतारने के लिए 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब क्या हो गया, 3 7 जा 21, यहाँ 1 बचा, 3 5 जा 15, ठीक है। ये फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15, ठीक है। तो अब देखते हैं किससे जाता है, ये हो गया 3 2 3 3 3 4 जा 12 होता है, 3 3 जा 9, 2 2 बच्चा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 18 2 20, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ठीक है। अब किससे जाएगा,
थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स ये चला जाएगा, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स हो गया वन, थ्री टू जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स हो गया वन बचा, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, ठीक है। अब किससे जाएगा, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री थ्री एट जा ट्वेंटी फोर नहीं जाएगा, तो ये जाएगा थ्री से नहीं जाएगा, तो फोर से फाइव से जाएगा ये, फाइव टू जा टेन हो गया, टू बच्चा ये हो गया ट्वेंटी टू, फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, ठीक है। अब किससे जाएगा, फाइव से और जाएगा एक बार, फाइव फाइव फोर जा ट्वेंटी ये बन गया फोर्टी फाइव, फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव ये चल गया सेवन, सेवन सेवन जा सेवन यहाँ फोर्टी नाइन है, यहाँ लिख लेते हैं फोर्टी नाइन है ना, यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से आगे कर लेते हैं, सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन, सेवन वन जा सेवन, तो यहाँ क्या फैक्टर हमने कर दिया है। अब क्या क्या बचा हुआ है, आप देखेंगे पेयर कितने का बन रहा है, देखेंगे टू इंटू टू ये हो गया, ये हो गया वन टू थ्री फोर, हाँ फोर टाइम है थ्री, थ्री फोर, फोर टाइम थ्री है, और टू टाइम फाइव है, और टू टाइम सेवन है, ठीक है। तो पेयर बन रहा है, ये पेयर टू वाला पेयर, थ्री वाला कितना पेयर है, ये फाइव वाला पेयर, सेवन वाला पेयर, तो ये क्या हो गया टू इंटू, यहाँ इसका पेयर बन गया थ्री, यहाँ एक पेयर बन रहा है थ्री, यहाँ एक पेयर बन रहा है फाइव, यहाँ एक पेयर बन रहा है सेवन वाला ये, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसका ये आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, दो त्यान छ, टू थ्री जा सिक्स, थ्री जा एटीन, फाइव जा नाइन्टी, नौ सत्तर तिरसठ, छः सौ तीस, सिक्स थर्टी, शायद यही आंसर आया हो, देख लेते हैं। थ्री ए का सेकेंड का, हाँ सिक्स थर्टी, ठीक है। तो इसका आंसर यहां लिख देते हैं सिक्स थर्टी, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा सिक्स थर्टी, ठीक है। इसी तरीके से आप ये वाला भी कर सकते हैं, इसमें करना क्या है, सबसे पहले इसको रूट में लगाना होगा, रूट में लगाने के बाद ऐसे इक्वल करने के बाद हमें इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो आएगा उसका हम जो है इस तरीके से लिखेंगे और उसका पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो पेयर बनाने के बाद जो है बचेगा उसको हम अलग लिख लेंगे और उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आ जाओ भाई सॉल्व करते हैं, तो इसने बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 2592 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर। इसने बोला है कि हमें वह छोटा नंबर चाहिए जिसमें अगर हम 2592 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये जो नंबर दिया गया है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हमें वही नंबर पता करना है जिसमें इस नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वह छोटा नंबर पता करना है, वह स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है जिसमें इस नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर हो जाए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर क्या है सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है 2592, ठीक है। तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले इसका हम फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है 2592, तो इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ये किससे जाएगा, लास्ट में एक इवन नंबर है, ठीक है, तो ये 2 से ही जाएगा, ठीक है। तो 2 वन द 2, 2 टू जा 4, 1 बचा हुआ है, 2 नाइन द 18, 2 नाइन द 18, 2 सिक्स जा 12, ठीक है। अब किससे जाएगा, लास्ट में एक इवन नंबर है, ठीक है, तो 2 ही से ही चला जाएगा, ठीक है। 2 सिक्स जा 12, 2 फोर जा 8, 1 बचा 2 एट जा 16, ठीक है। अब किससे जाएगा, 2 टू जा 2, 3 जा 6 हो गया, 2 फोर, 2 टू जा 4, 2 फोर जा 8 हो गया। अब किससे जाएगा, लास्ट में 4 है, 2 से ही जाएगा, 2 वन जा 2, 1 बच्चा, 2 सिक्स जा 12, 2 टू जा 4 हो गया, ठीक है। अब किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा, 2 एट जा 16, 2 वन जा 2, ठीक है। अब किससे जाएगा,
अब थ्री से जाएगा कि नहीं, थ्री टू जा सिक्स बचा, सिक्स टू एट होता है, ये हो गया 21, तो थ्री से बचा 21, थ्री से अभी जाएगा, ठीक है, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स सिक्स टू एट होता है टू, और ये वन 21, थ्री से बचा 21, ये हो गया 39 जा 27, थ्री थ्री जा 9, थ्री वन जा 3, तो अब यहां देख लेते हैं 1 2 3 4, फोर टाइम क्या है 2 है, 1 2 3 4, फोर टाइम हमने 2 लिख दिया है, ठीक है, 1 2 3 4, फोर टाइम 2 और 5 टाइम 2 है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं, ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं 3 कितने टाइम है, 1 2 3 4, 3 2 कितने टाइम है, 3 4 टाइम है, ठीक है, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, 3 4 टाइम है। अब देखते हैं पेयर बनता है कि नहीं, यहां पेयर बन गया 2 का, यहां पेयर 2 का बन गया, और यहां 3 का पेयर बन गया, यहां 3 का पेयर बन गया, और यहां बच क्या रहा है, यहां बच रहा है 2। अगर एक नंबर और मिल जाता हमें जो कि यहां खाली है, डैश डैश डॉट 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 लगा देते हैं, ठीक है, यहां एक 2 और मिल जाता इसको फैक्टराइज करने में, तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला नंबर्स मिल जाता, ठीक है। तो ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यहां जो नहीं है, यहां अगर हम 2 का और मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो 2 बचा है और यहां 2 होता तो एक नया पेयर बन जाता, तो ये क्या हो जाता, ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, ठीक है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2592 में इसने बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2592 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें जो है यही नंबर जो बच रहा था 2, जो पेयर नहीं बनने दे रहा था, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या एक परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 4 2 2 4, 2 9 18, 1 बचा, 2 5 10, 1 11, 1 बचा, 2 2 4 1 5, ठीक है, सही है ना, 2 2 4 2 9 18, 2 5 10, 1 11, 1 2 2 4 1 5, तो ये है 5184, ये हमें नंबर चाहिए, ये अगर यहां होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता, तो वह आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, वह नंबर 2 होगा, ठीक है, आंसर में वह नंबर क्या होगा, 2 होगा, तब परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है 3 के फर्स्ट का आंसर, ठीक है, वह नंबर क्या है, 2 है। अब सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड वाले क्वेश्चन को, ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 12748 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर। इसका इसमें भी ये बोला गया है कि ये जो नंबर्स दिया गया ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई कर दे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, क्या लिखा हुआ है 12, ठीक है, सॉल्व लिखना होता है, ठीक है, सॉल्यूशन है, तो 12748 है, ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो किससे जाने वाला है, ये लास्ट में 8 है तो ये एक इवन नंबर है, तो 2 से तो जाना ही चाहिए, ठीक है, तो 2 6 12 हो गया, 2 7 2 3 6 हो गया, 1 बच रहा है, 2 7 14, 2 4 8, ठीक है। अब 4 बच रहा है, तो लास्ट में 4 है तो 2 से ये भी चला जाएगा, 2 3 6, 2 1 2, 1 बचा, 2 8 16, 1 बचा, 2 7 14, ठीक है। अब इसके आगे जाएगा कि नहीं, लास्ट में हो गया 7, तो अब ये 3 से तो जाएगा नहीं, ठीक है, 3 1 3 हो जाएगा, 3 6 18, 3 2 6, 1 बच रहा है तो 3 से नहीं जाएगा, और इसके बाद 4 से भी नहीं जाएगा, तो बस यही नंबर है, इसको जो है इस नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये है, यही नंबर है, इसी नंबर को अगर हम 3187 को अगर हम 12748 में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है।
तो आ जाओ भाई सॉल्व करते हैं। तो इसने बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 10368 बाय डिवाइडेड सो दैट द रिजल्ट इज परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ रिजल्टिंग नंबर। इसका मतलब ये है कि हमें वह स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है, ठीक है, जिससे हम इस नंबर को अगर हम डिवाइड कर देंगे, इस नंबर को हम डिवाइड कर देंगे जो स्मॉलेस्ट नंबर हमने ढूंढा है, इस नंबर को अगर हम उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें जो रिजल्ट में जो नंबर मिलेगा वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, और जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हमें मिलेगा उसी नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ रिजल्टिंग नंबर, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वह नंबर ढूंढना है जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो नंबर क्या है, लिखा हुआ है 10368, ठीक है, यही है ना 10368। तो सबसे पहले हमें इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो लास्ट में 8 है, 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 1 2, 2 1 2, 1 बचा, 2 8 16, 2 4 8, ठीक है। अब 2 2 4, 1 बचा, 2 5 10, 1 बचा, 2 2 9 18, 2 2 4, ठीक है। अब किससे जाएगा, 2 से अभी जाएगा, 2 2 2 1 2, 2 2 4, 1 बचा, 2 9 18, 1 बचा, 2 6 12, ठीक है, 2 6 12 हो गया, 2 4 8 हो गया, 2 8 16 हो गया, ठीक है। अब 2 3 6 हो गया, सॉरी थोड़ा नीचे, 2 3 6 हो गया, 2 2 4 हो गया, 2 4 8 हो गया, ठीक है। अभी 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 1 बचेगा इसका, ये 12 हो जाएगा, 2 6 12 हो गया, 2 2 4 हो गया, अभी 2 से जाएगा, ठीक है, तो 2 8 16, 2 8 16, 2 1 2, अब यहाँ जगह नहीं बच रहा है, यहाँ लिख लेते हैं 81 को, ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया, किससे जाएगा, 81 है, 81 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, ठीक है। 27 81 होता है, 3 9 27 होता है, 3 3 9 होता है, 3 1 3, ठीक है। तो अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, अब क्या करेंगे, इसका हम पेयर बनाएंगे, पेयर बनाएंगे या नंबर लिख लेते हैं, 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम 2 है, ठीक है, 1 2 3 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 टाइम क्या है, 2 है, और 4 के 3 कितने टाइम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब बनाते हैं पेयर, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, चार, ठीक है। तो पेयर बना लिया, अब ये जो एक्स्ट्रा नंबर बच रहा है, ये वाला जो अकेले बच रहा है, ये वही नंबर है जिसको हम ये वही नंबर है, इसी नंबर से हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमें वह नंबर मिल जाएगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यही इसी का पेयर नहीं बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो यही नंबर है जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 2 है। अब 2 से हमें क्या करना है, इसने बोला है डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद हमें नया नंबर मिलेगा रिजल्ट में, ठीक है। तो 2 से इसको हम डिवाइड करते हैं, किसको, 10368 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 5184, ये आंसर ये मिलेगा, वह नंबर मिलेगा जिसका हमें हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसने बोला है रिजल्टिंग परफेक्ट स्क्वायर, तो यही नंबर मिला है, और आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ रिजल्टिंग नंबर।
और जो रिजल्टिंग नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ठीक है, इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें इसको रूट में करना होगा। ठीक है, तो रुक जाइए, रिजल्टिंग नंबर क्या है, 5184। इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना है, सबसे पहले इससे हम रूट में करते हैं। ठीक है, तो रूट में करते हैं, तो ये देखते हैं क्या आता है। तो रूट में करने के लिए पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 5184 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 2592। वही आएगा क्योंकि इसके यही नंबर है ना, डिवाइड करने के बाद ये नंबर मिला, यही नंबर को आगे बढ़ाया गया है, तो उसी से देख लेते हैं। 2592 टू बच रहा है, फिर क्या है 1296 बच रहा है, फिर 2 है 648 है, फिर 2 है 324 है, फिर 2 है 162 है, फिर 2 है फिर 81 है। फिर इसी 81 को आगे हम फैक्टराइज करते हैं तो 3 से जाएगा 27 81, 39 27, 33 9, 31 3। तो अब देखते हैं पेयर कितने का बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम क्या है 2 है, इतना जगह बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और 4 3 कितना टाइम है, 4 टाइम है, 1 2 3 4, एक पेयर दो पेयर, एक पेयर दो पेयर तीन पेयर, 2 का कितना पेयर है, 3 पेयर बन रहा है, तो 3 × 3 × 3। ठीक है, 1 2 3 एक बार लिख लिया, फिर इसका अरे सॉरी 2 वाला 2 × 2 × 2 × 3 × 3, तो ये क्या हो गया, 2 × 4 × 8 = 24, 24 × 3 कितना हो गया 72, ये होगा ना, 3 × 3 = 9 × 18 × 36, 36 × 72। ठीक है, तो वह नंबर क्या होगा, 72 होगा, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, 72। तो इसका आंसर होगा 72 ये, और वह नंबर जो जिससे हम स्मॉलेस्ट नंबर जिसको डिवाइड करेंगे वो नंबर होगा 2। ठीक है, देख लीजिए आंसर। तो आ जाओ भाई सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है, इसने बोला है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, इन तीनों का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो निकालते हैं। सबसे पहले वाले क्वेश्चन का लिखा हुआ है 0.1764। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले इसका हम रूट में रखेंगे, हमने रूट में रख दिया, और इसको अगर इस रूट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो इसको सॉल्व करने का दो आइडिया है, दो आइडिया का मतलब क्या है, सबसे पहले तो इसको अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.64 है, तो इसको अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो 1000 से इसे उतना 10000 1 2 3 4 1 2 3 4 जीरो लगाना पड़ेगा डेसिमल के प्लेस पे 1, इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, तब जाके ये सॉल्व होगा। लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे, ये है एक कठिन सा टफ वाला आइडिया, ये ज़्यादा कठिन हो जाता है, तो इसको छोड़िए, हम सीधे सीधे सिंपल वाले आइडियाज निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, बिना 10,000 से डिवाइड किए इसको हम सीधे सीधे मान लेते हैं, क्या 1764 सीधे सीधे मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, है नहीं सिर्फ मान लिया है, ठीक है 1764 मान लेते हैं। फिर इसका हम करते हैं प्राइम फैक्टोराइजेशन। ठीक है, तो करते हैं, कट किसे जाएगा, 2 8 16, 1 बचा ये 16, ये भी हो गया 2 8 16, ये है 4, 2 2 4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 से जाएगा ना, क्योंकि लास्ट में है एक ऑड नंबर, तो चलते हैं 3 से, 3 1 3,
वन बचा, ये हो गया 14, थ्री फोर जा 12, इसका टू बचा, ये हो गया 21, थ्री सेवन जा 21। तो अब जाएगा ये थ्री से ही जाएगा, थ्री फोर जा 12, थ्री फोर जा 12 ये 14 है, टू बचा ये 27, थ्री नाइन जा 27, ये हो जाएगा सेवन से, फिर सेवन से जाएगा तो ये बचेगा वन। अब क्या करेंगे, इसका हम पेयरिंग कर लेते हैं। कितना टाइम टू है, वन टू, फिर है थ्री, फिर है थ्री, फिर है सेवन, फिर है सेवन। अब करते हैं इसका पेयरिंग करना, टू का पेयर, फिर थ्री का पेयर, फिर सेवन का पेयर, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टू थ्री जा सिक्स, सेवन जा 42, ये हो गया स्क्वायर रूट किसका, इसका हुआ 1764 का स्क्वायर रूट हुआ है, 0.1764 का नहीं हुआ है। हमें किसका निकालना है, इसका निकालना है। हमने क्या कहा था, हम सिर्फ मान लेते हैं इसको 1764, इसको सिर्फ मान लेते हैं, इसको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसका स्क्वायर आया, स्क्वायर रूट आया 42। तो हमें तो निकालना था इसका, तो कैसे निकालेंगे भैया, आंसर आ चुका है, क्या करना है, अभी यहाँ जो डेसिमल था कितने प्लेस पे था, फोर डिजिट के बाद, वन टू थ्री फोर, फोर डिजिट के बाद डेसिमल था। अब जब हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया तो ये जो है फोर डिजिट के जगह टू डिजिट के बाद इसका डेसिमल लग जाएगा 0.42, ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर। तो आपको पता चल गया कि हमने इसी के हेल्प से, बिना डेसिमल लगाए इसी के हेल्प से हमने इसको बना लिया, एक स्क्वायर रूट निकाल लिया, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये है इसका फर्स्ट वाले का आंसर 0.42, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्या लिखा है, लिखा है 96 ऑफ 1/25। अब इसको अभी हमें स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले हमें इसे रूट में रखना होगा, रूट के अंदर रख दिया। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को प्लस करेंगे इस तरीके से, तो 96 का मल्टीप्लाई, क्वेश्चन सही लिखा है ना, क्वेश्चन हाँ सही लिखा है, 96 का मल्टीप्लाई 25 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 56 जा 30, 3 बचा 5, 9 जा 45, 45 3 48 हो गया, और 26 जा 12 हो गया, 1 बचा 29 जा 18, 119, ठीक है। अभी होगा 0, 8 टू 10 हो गया, 1 बचा 9 13, 114 हो गया, 1 2 हो गया, ठीक है, 2400। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो और किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, 2400 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 25, ठीक है। और इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2401, 2401, ठीक है, और ये हो जाएगा 25। अब इसको करेंगे आगे सॉल्व, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2401, हमें इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन 24 का और 2401 का और 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो 2401 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 का फैक्टराइजेशन आपको पता है 5×5 होता है, 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो इसका कर लेते हैं, किससे जाएगा, 1 से नहीं जाएगा तो चले जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं, 7 से जाएगा, कितना हो गया, 7 3 जा 21, 3 बचा 7 4 जा 28, 2 जा 7 3 जा 21, ठीक है। अब 7 7 5 35, 7 4 28, 7 4 28 2 30 4 34 मतलब 6 और 63, 7 9 जा 63, 7 नंबर 63, और ये 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो अब इसका इसका हमने प्राइम फैक्टर करा तो इसका जो है पेयर क्या बना, 7×7×7×7, ठीक है। तो इसका पेयर बना एक वन टाइम 7 का, फिर दूसरा वाला 7, तो 7 7 जा 49, तो इसका
स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2401 का 49 हो जाएगा और 5 का 25 तो ये हो गया इसका 49/5 इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, किसका, इसका आंसर। ठीक है, और ये है इसका आंसर, और कुछ और भी दिया गया होगा तो इस तरीके से दिया गया होगा, देख लेते पहले आंसर देख लेते हैं। अगर 49/5 दिया गया होगा तो यही होगा, और एक्सपेंड करना होगा तो एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये है 3A का क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 9 of 4 by 5 सही है। तो इसको और एक्सपेंड किया गया है, तो इसको हम लिख देते हैं 49 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 9 = 45, 5 9 = 45, 4 49, ठीक है, 9 of 4 by 5। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, और एक्सपेंड करना होगा 9 of 4 by 5। ठीक है, यही आंसर दिया गया है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। अब सॉल्व करेंगे ये थर्ड वाला। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना आसान है, लिखा हुआ है 0.0169। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले इसको हम रूट में करेंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्या करना है यहां, इसका डेसिमल हटाने के लिए इसको हम किस तरीके से 1600.0169 को हमें डिवाइड करना होगा किससे, वन कितने अंक पे डेसिमल लगा है, 1 2 3 4, 4 डिजिट पे डेसिमल, 1 2 3 4 और फिर डेसिमल के प्लेस पे 1, इतने से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका ये डेसिमल हटेगा, ये हो जाएगा 169/10000। फिर इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे बढ़िया है कि सीधे सीधे हम इसका ये जो इसको हम मान लेते हैं सीधे सीधे क्या मान लेते हैं 169। ठीक है, 169 मान लेते हैं, और 169 का जो स्क्वायर रूट होता है 13 होता है। ठीक है, 13 होता है, तो इसका मतलब ये है कि जो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, कितना, अभी जब स्क्वायर रूट नहीं किया हुआ था तो इसका डेसिमल 1 2 3 4 4 डिजिट पे था, अब स्क्वायर रूट हो गया है तो इसका जो है डेसिमल 1 2 2 डिजिट पे लग जाएगा फिर ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.13 हो जाएगा। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट इसका करना चाहते तो इसको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं, 0.13 है, सही है। ठीक है, तो आ जाओ भाई सॉल्व करते हैं। तो इसने बोला है क्या करने के लिए, इवैल्यूएट। ठीक है, अब इवैल्यूएट करना जो भी होता है सबसे पहले सॉल्व करते हैं, वही होगा इसका आंसर, वही होगा इवैल्यूएट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है 14.4 और 22.5 और इसको कर दिया गया है रूट के अंदर, और इसी को हमें सॉल्व करना है और लेके आना है इसका आंसर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेसिमल हटाने के लिए 14.4 है तो ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 14.4 को हम डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल के प्लेस पे 10, डेसिमल के बाद डेसिमल के प्लेस पे 1 ये लगा दिया, और अब चलते हैं नीचे वाले के पास 22.5 के पास, तो इसको हम इसको डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के प्लेस पे 1 डिजिट है, डेसिमल के पहले 1 डिजिट है तो 10, डेसिमल के प्लेस पे 1 लगा दिया, अब इसको कर दिया है 1 रूट के अंदर क्लोज। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो है 10 से डिवाइड हो जाएगा, अब यहाँ बच रहा है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 144 डिवाइडेड बाई 225। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, 144 इज डिवाइडेड बाई 225, इसको डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट करेंगे तो 144 किसका स्क्वायर रूट है, 12 का, 12 = 144 होता है, तो ये हो गया 12, और नीचे बचा हुआ 225 किसका स्क्वायर रूट है, 15 का, तो 15 लिख देते हैं। अब इसका इसके ऊपर से रूट हट गया है, अब ये बन चुका है, अब इसको आगे और सॉल्व करना, यही आंसर हो सकता है लेकिन बुक में ऐसा आंसर नहीं दिया गया है, इसको और एक्सपेंड किया गया है, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
चार तिहाई 12, पांच तिहाई 15। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 0.8 इसका आंसर होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14.4 डिवाइडेड बाई 22/5 का रूट क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। तो ये है फर्स्ट वाले का आंसर। अब क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है, लिखा है रूट के अंदर 0.225 डिवाइडेड बाई 28.9। तो रूट के अंदर लिखा है, इसको हमें इवेल्युएट करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो है डेसिमल हटाएंगे। 0.225 को हम 225 लिख सकते हैं जब हम इसे हम डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 3 डिजिट, तो 30 लगाएंगे, डेसिमल हटाने के लिए 1 लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 28.9 है, डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल के प्लेस पे 101 है, 1 डिजिट है, तो 10 लगाएंगे डेसिमल के प्लेस पे 1। तो अब हट चुका है डेसिमल इसका, तो ये हो चुका है इस तरीके से ऐसा। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा और सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 225 को 54 या 20 हो गया, 2 बचा 55 या 25, और ये हो गया 5 2 10 200 हो गया। अभी और ये जाएगा, कटेगा, 9 5 45, 5 4 20 और 10। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अभी और इसको अगर हम आगे लिखना चाहें तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने और एक्सपेंड कर दिया ये इसको, तो हम 9 9/40 लिख सकते हैं, और 289/10 है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये जो है 10 4 40 होता है ना, तो अब ये बच चुका है 9/4। ठीक है, तो इसको 9/4 लिख सकते हैं, और 289/1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो है 289 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 289 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो क्या आ जाएगा, 289 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 4 9 36, 4 9 36, 3 5 4 8 32, 3 36, 32 3 35, 3 5 4 2 8, 3 11, 1156। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इसको आगे और लिखना चाहेंगे इसको, तो क्या लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 9/11 56। ठीक है, अभी रूट के अंदर रहेगा, अब इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और इसका 1156 का 34 हो जाएगा, क्या 34। तो ये निकल चुका है आंसर, तो किसका, सेकेंड वाले का आंसर आया है 3/34। देख लेते हैं आंसर, हाँ 3/34। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व हो चुका है, ये सॉल्व हो चुका है, अब इसको ये वाला एक सॉल्व करते हैं, नीचे वाला आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मिटा दें इसको। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, रूट के अंदर लिखा है 25/32 मल्टीप्लाई 2 13/18 और मल्टीप्लाई 0.25। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। ठीक है, तो रूट के अंदर जाओ, ये है 25, ये है 32, ये है मल्टीप्लाई 38 36 3 39 39 10 49 49/18 और 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.25 इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेसिमल के प्लेस पे कितना के बाद, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट, 20 और डेसिमल के प्लेस पे 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 1 25 54 1/4। 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/4 लिख दिया। अब क्या करेंगे, सभी का मल्टीप्लाई करते हैं, अभी कुछ जाने वाला है नहीं जाने वाला। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 25 को मल्टीप्लाई 49 और 1 के साथ। ठीक है, तो 49 और 25 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 45, 5 9 45, 4 5 4 20
और ये 24, 24, 29 जा 18, 1 बजा 24 जा 8, 19, ये है 5, 8 चार 12 और 2 हो गया, 1 बचा, 9 दो 11 एक 12, ठीक है, 12, 25 आ चुका है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलेगा, तो ये हो गया 12, 25, ठीक है, और इसका 32 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 18 दून 36, 18 3 54, 18 चौक 72, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और जो उसका मल्टीप्लाई 32 के साथ करेंगे क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 7 14, ठीक है, 3 2 6 हो गया, 3 7 21, 37 या 21, ये 4 हो गया, 6 या 10 हो गया, 0 हो गया, 1 बचा, 1 1 2 1 3 हो गया और 2, ठीक है, 23,400, ठीक है, ये 2304, तो ये आया हुआ है, तो अब क्या करेंगे, इसको रूट के अंदर करेंगे और इसका हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, तो कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, कर देंगे आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 1225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्या आएगा, 1225 का, तो क्या हो जाएगा, 26 5 से लास्ट में 5 है, 2 से जाएगा नहीं, 3 से देख लेते हैं, 3 4 12 हो गया, नहीं जाएगा, 4 से नहीं तो 5 से जाएगा, 5 2 10 हो गया, 5 4 20 हो गया, 5 5 25 हो गया, ठीक है, और 5 से फिर जाएगा, 5 4 20, 5 5 9 45, अब 7 7 7 बन जा, अब क्या, तो इसका बन चुका है 5 इंटू 5 7 इंटू 7, तो 5 का एक बार और 7 का एक बार, 5 7 जा 7 5 35, ठीक है, तो इसका क्या आ गया है 35, 1225 का स्क्वायर रूट 35 और 2304 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं क्या होता है देख लेते हैं, ठीक है, 2304, ठीक है, तो निकालते हैं इसका क्या हो जाएगा, लास्ट में 4 है, 2 से चला जाएगा, 2 वन द 2, 2 वन द 2, 1 बजा 2 5 बाय 10, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 वन द 2, 2 4 जा 2, ठीक है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 18, 2 9 जा 3, 3 जा और 3 और 3 का 3 1 जा, ठीक है, अब इसका यहाँ यहीं यहीं बना लेते हैं पेयर, 1 टाइम 2 3 4, एक 3 यहाँ एक 3 यहाँ, और मतलब कि 1 2 3 4, 4 टाइम क्या है 2 है, और यहाँ इसका 3 यहाँ 3 यहाँ 3 का पेयर बन रहा है, तो कितना हो गया, 2 दून 4 दून 8 दून 16 3 48, ठीक है, तो ये गया 48, तो ये है इसका इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, देख लेते हैं आंसर, ठीक है, 35 बाई 48 ये आंसर आया हुआ है, ठीक है, तो सॉरी तो यही आंसर है, और एग्जैक्ट इसके जैसा ये वाला भी, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, तो आजा भाई सॉल्व करते हैं, तो इसने बोला है इवैल्यूएट करना है, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इवैल्यूएट हो जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, लिखा है 3 पावर 2 इंटू 6 पावर 3 इंटू 24, और इसको कर दिया गया है रूट के अंदर, और इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट, कैसे सॉल्व होगा देखते हैं क्या आंसर आता है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं 3 पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 पावर 2 का मतलब 3 3 जा 9, 3 इंटू 3, और यहाँ है मल्टीप्लाई 6 पावर 3, तो इसको ऐसा ही अभी रहने देते हैं, इधर है 24, अभी एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, यहाँ 24 का मल्टीप्लाई 9 के साथ हो जाएगा तो कितना आएगा,
नाइन फोर जा 36, थ्री बच्चा नाइन टू जा 18, 18 टू 20, 21, 216 हो गया, और मल्टीप्लाई में बचा 6 क्यूब। अब सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा 216, ये जो है क्यूब है 6 का, ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, और इधर दूसरा वाला 6 का क्यूब पहले से ही है। कैसे पता, 6 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 216 आएगा, ठीक है। कैसे, 6 into 6 into 6, ठीक है, 6 into 6 36 आएगा, 36 में 6 का मल्टीप्लाई, 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 3 21, ठीक है, 216 आ गया, है ना। तो ये क्या, 6 का क्यूब है। तो सॉल्व करते हैं आगे, देखेंगे यहां रूट के अंदर दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस है, दोनों का बेस 6 है, तो एक बार लिख सकते हैं, और जब बेस सेम होता है तो उसको एक बार लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। पावर्स क्या है, 3 और 3 पावर 6, 6 के पावर 6 है, और इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, 6 के पावर को, 6 को हम लिख सकते हैं 6 के पावर 3 और उसके ऊपर 2, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 3 2 जा 6। इसको और सॉल्व करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा, 6 के पावर 3 के पावर 2, 3 2 जा 6, इस 6 के पावर 6 इसे पढ़ सकते हैं, इसे भी पढ़ सकते हैं। तो अब क्या, जब इसका ये रूट हटाएंगे, जब इसका ये वाला ऊपर वाला जब रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 के पावर 3, ठीक है, तो 6 के पावर 3 हो जाएगा, और तो इसको हम करेंगे सॉल्व, 6 6 जा, इसको लिख सकते हैं 6 के पावर 3 है, रूट हटाया तो मतलब ये स्क्वायर हो चुका है, मतलब 2 हट जाएगा तो 6 के पावर 3 बचा रहेगा, 6 के पावर 6 into 6, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 6 जा 36 हो जाएगा, 36 में 6 का मल्टीप्लाई अभी किया था, 6 6 जा 36, 3 और 6 3 जा 18, 3 21, ठीक है, ये होगा 216, ये है फर्स्ट का आंसर, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं आंसर यही आया है कि नहीं, 7 का 216 आया हुआ है। तो ये है फर्स्ट का आंसर, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको लिखा हुआ है रूट के अंदर 0.5 के पावर 3 लिखा हुआ है और 6 into 3 के पावर 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। कैसे, 0.5 को अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 10, डेसिमल के प्लेस पे 1, तो ये डेसिमल हट चुका है, तो ये क्या बचा है, 5/10, तो 5/10 का मतलब 1/5, 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2, हमने बोला था ना 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, अभी यहां हमने सॉल्व करके बताया। तो करते हैं 1/2 लिख लेते हैं, और 1/2 के पावर क्या हो गया है, 3 है ना। अब करते हैं 6 हो गया, अब यहां है 3 के पावर 5 है, अब क्या करेंगे, ये हो गया है क्यूब, इसका करना है क्योंकि 1/2 के पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसको करते हैं 1/1 का कितना बार भी पावर करेंगे 1 ही आएगा, और 2 का 3 टाइम पावर करना है तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 1/8 हो गया, अब इंटू 6 हो गया और 3 के पावर हो गया 5। अब करते हैं सॉल्व इसको आगे, थोड़ा सा यहां सॉल्व कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 हो गया। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, तो 3 3 1 जा 3 by 4 बचा हुआ है, और यहां बचा हुआ है 3 power 5, है ना। अब सॉल्व करेंगे इसको आगे, तो अब देखेंगे 3 के पावर, यहाँ 1 है जो कि लिखा नहीं गया है, इसका मतलब 3 के पावर 1 माना ही जाएगा, और 3 के पावर 5 है तो नीचे की तरफ से डिवाइड होता है, ऊपर की तरफ से मल्टीप्लाई, डिवाइड करना थोड़ा महंगा पड़ रहा है तो ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 3 के पावर 5 है और 3 के पावर 1, तो 3 के पावर जब मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 6 हो जाएगा, यहाँ पावर 2। अब क्या करेंगे, इसका रूट हटाएंगे, रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा,
ये अभी नहीं, सॉरी सॉरी, अभी थोड़ा और सॉल्व करना है, रूट रहने देते हैं, ये हो जाएगा 3 के पावर 3 और उसके ऊपर बोलते हैं 2 और नीचे है 4। अब क्या करना है, इसको अब हम रूट आसानी से हटा सकते हैं। जब रूट हटाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, रूट निकल जाएगा। जब रूट निकल जाएगा तो ये पावर यहां से हट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, रूट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 3 पावर 3 और ये इसका रूट हो जाएगा तो ये 4 का रूट क्या हो जाता है, 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 9 3 27 और ये है 2 है ना। तो 27/2 ये आया हुआ है इसका आंसर, ये भी सही है, लेकिन इसको एक स्टेप और सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बुक में ये आंसर नहीं दिया गया, इसको एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 13.5। तो यही शायद आंसर दिया गया, और ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, तो ये होगा आंसर। तो देख लेते हैं बुक में क्या दिया गया है। सेकेंड का आंसर है 3A, क्वेश्चन नंबर 7, 13.5 है ना। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा है, लिखा है 5+2 और 21/25 है और ब्रैकेट बंद है और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 0.169 है ना, और नीचे लिखा हुआ है 1.6 और इसको कर दिया गया है रूट के अंदर। तो कैसे सॉल्व होगा देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 to 7 हो जाएगा रूट के अंदर, 7+7 21/25 हो जाएगा। अब इनटू में ये क्या है, 0.169 को हम क्या लिख सकते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, अच्छे से बताते हैं, 0.169 का हमें डेसिमल हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट 3 0 1 2 3 डिजिट, डेसिमल के प्लेस पे 1, इतने से डिवाइड किया तो डेसिमल इसका हट गया, तो ये इस तरीके से बन चुका है। और इसके नीचे वाला 1.6 है, 1.6 का डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट, तो 10 डेसिमल के प्लेस पे 1, ठीक है, 10 से डिवाइड किया तो मतलब कि डेसिमल यहां से हट गया। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे, ये क्या हो गया, 8 2 16, 5 2 10, 8/5 हो गया है। और यहां देखते हैं फाइव टू जै 10 हो गया और ये जो है 2 0 यहां लगा लेंगे। अब क्या होगा, 8 का मल्टीप्लाई 200 के साथ हो जाएगा तो ये नया वाला इक्वेशन बनेगा। पहले इतने इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25 4 6 100 6 150 7 25 25 7 कितना होता है, 7 5 35, 3 7 2 14, 3 17, ठीक है 17, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और 21 को ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा, 5 1 6, 7 2 9 और 196 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये हो गया 196 हो गया और 25 हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जो बचा हुआ था इसको लिख लेते हैं, क्या बचा हुआ था, 169 बचा हुआ था और बचा हुआ था इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 2 16 और 2 0 ये, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं आगे, ये क्या हुआ है, किससे जाएगा, ये 2 से जाएगा तो 2 2 9 18, 2 8 16, 98 यहां बचा हुआ है, 2 से ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 8 16 और 0 800 यहां बचा हुआ है, ठीक है। इसको और काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 8 होता है और 1 2 9 18 यहाँ हो गया। अब ये इसको कटेगा 2 से तो 400 हो जाएगा। तो यहाँ अब हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 49/25 और मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं 169 और डिवाइड में क्या लिख सकते हैं, 400, ठीक है। तो अब इसको करते हैं हम रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 49 किसका स्क्वायर रूट है, 7 का, 5 किसका स्क्वायर रूट है, 25 किसका स्क्वायर रूट है, 5 का, और यहाँ मल्टीप्लाई है, 169 किसका स्क्वायर रूट है, 13 का, तो यहाँ लिख लेते हैं 13, और 400 किसका स्क्वायर रूट है, 2
20 का, ठीक है, क्योंकि 20 इज 400 होता है ना, तो 0 0 0 2 2 4 ये हो गया 400, ठीक है, निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 7 3 21 7 7 1 7 2 9 63 91 और 20 5 100 ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम यहां देख रहे हैं 91/100 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.91 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि आप क्या समझ रहे हैं, अगर डेसिमल हटाना होगा 0.91 का, अगर डेसिमल हटाना होगा तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, और डेसिमल के प्लेस पे 1, तो ये डेसिमल हट गया, 91/100 हो गया, ठीक है, 91/100 यही यहां आया हुआ, उसको हम 0.91 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का ये वाला है, थर्ड वाला, और एग्जैक्ट इसके जैसा ये फोर्थ वाला है, ये आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन को, मतलब फिफ्थ वाले को। तो क्या लिखा हुआ है, रूट में लिखा हुआ है, बड़ा सा रूट बनाया गया है, लिखा हुआ है 248 और प्लस में लिखा गया है, दूसरे वाले रूट में लिखा हुआ है 52 और प्लस, तीसरे वाले रूट में लिखा गया है 144। अब क्या करेंगे, इसको हम करेंगे इसका रूट निकालना शुरू। तो सबसे पहले कहां से रूट निकलेगा, सबसे नीचे वाला जो रूट है 144 का रूट निकालना पड़ेगा। 144 किसका रूट है, 12 का, बराबर होगा 144, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 248 प्लस रूट में है 52, अब इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो ये बचेगा सिर्फ 12 और इसका रूट भी हट जाएगा, तो इधर ये चला जाएगा, 52 प्लस 12, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 248 ये है प्लस, अब ये हो गया 52 हो गया 224 हो गया 516 हो गया, अब ये भी किसके अंदर है, रूट के अंदर है। अब किसका रूट होगा, सबसे छोटा वाला रूट ये है 64 का रूट निकालना होगा, तो इसको पहले करते हैं 248 में, और 64 का रूट क्या होगा, 8 होगा, 8 64 होता है ना। अब इसको करते हैं आगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 248 और 8 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 2 16 तो ये हो जाएगा 56 हो जाएगा, है ना, 56 हो जाएगा, 256 हो जाएगा, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा, है ना, 8 8 16 1 बचा 415 सही है। अब इसका हम क्या करेंगे, रूट में है 256, अब हम इसका करेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसका करते हैं फैक्टोराइजेशन, तो 256 का फैक्टोराइजेशन कर देते हैं, तो लास्ट में एक इवन नंबर है तो 2 से चला जाएगा, 2 1 2 2 2 4 1 बचा 2 8 16 हो गया, 2 6 12 0 2 4 8 सॉरी 64 सही है, 2 4 2 6 12 2 4 8 2 3 6 32 2 64 16 2 32 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2 है ना। तो यहाँ जो है यहीं से पेयर बना लेते हैं, एक पेयर 2 का, दूसरा पेयर 2 का, तीसरा पेयर 2 का, और यह चौथा पेयर 2 का, 2 2 4 2 8 2 2 4 2 8 2 16 16 है ना। 256 किसका रूट है, 16 का रूट है, ठीक है। तो देख लेते हैं यही आंसर आया है कि क्या कुछ और आया है, देख लेते हैं 16 आंसर आया है कि नहीं, 7 है ना, 3A का 7 का लास्ट क्वेश्चन है, आंसर आया है 5 का 16 फिफ्थ का इसका, ठीक है, देख लीजिए आंसर। तो आजा भाई सॉल्व करते हैं, तो करना क्या इसमें, बोला है इसने अ मैन आफ्टर अ टूर फाइंड दैट ही हैड स्पेंट एवरी डे एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ डेज ही हैड बीन ऑन टूर, हाउ मैनी लॉन्ग डिड हिज टूर लास्ट इफ ही हैड स्पेंट इन ऑल 1296। इसने बोला है कि एक आदमी है, वह घूमने जाता है और
वह जितना दिन घूमने जाता है और उतना दिन उतना ही पैसा खर्च करता है ना। अगर सिक्स टाइम छह बार घूमने गया तो छह बार पैसा भी उसने खर्च किया, ठीक है, और कुल मिलाकर उसने कितनी जर्नी की है ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि उसने खर्च कितना किया। उसने खर्च किया है 1296 रुपया, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं पता, तो जो जो नहीं पता है उसको हम क्या मान लेते हैं, x, ठीक है। तो नंबर आप जर्नी लिख लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x, नंबर ऑफ जर्नी, ठीक है, नंबर ऑफ जर्नी, जर्नी हमें नहीं पता तो हमने मान लिया x। और जितना दिन वह घूमने गया उतने उतने दिन इसने कितना रुपया खर्च किया ये भी नहीं पता, तो नंबर ऑफ रुपीस भी हम मान लेते हैं x, ठीक है, नंबर ऑफ रुपीस इसको भी हम मान लेते हैं x। और जितना दिन गया और जितना दिन रुपया खर्च किया दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मान नहीं, अगर मान लेते हैं, अगर इसी ये दो दिन घूमने गया और ये इसको डे मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं रुपीस, ठीक है, दो दिन घूमने गया और एक दिन कितना रुपया लग रहा है, एक दिन अगर 100 रुपया खर्च करेगा तो दो दिन का कितना रुपया हो जाएगा, 200 रुपया खर्च हो जाएगा ना। इसी तरीके से ये क्वेश्चन में नहीं है, सिर्फ हमने समझाने के लिए लिखा है ना। तो इसी तरीके से हमने दो कुछ भी नहीं पता, कितना दिन इस नंबर ऑफ जर्नी कितना नंबर कितनी बार घूमने गया ये नहीं पता और कितना रुपया खर्च किया ये भी नहीं पता, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसने टोटल नंबर ऑफ मनी तो निकाल सकते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ मनी मतलब कि दो, अगर हम दो दिन गया घूमने और एक दिन का 100 रुपया तो दो दिन का कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। इस तरीके से इसका भी हम निकाल सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल मनी स्पेंट, उसने कुल कितना रुपया खर्च किया, एक्स रुपया, एक्स एक्स इंटू एक्स, है ना, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इसने जो है टोटल खर्च किया। और एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 1296 रुपया के बराबर है, ये इसने दिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें, है ना, तो हमें जो है पता चल जाएगा कि उसकी जर्नी कितनी थी, है ना। जैसे ये अलग है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर है, और दोनों का मल्टीप्लाई का आंसर इसने 1296 दिया है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें नंबर ऑफ जर्नी आ जाएगा, ठीक है। तो 1296 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16 हो गया, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8 हो गया, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4 हो गया, और 2 8 16, 2 1 2 हो गया, 2 अब ये जाएगा 9 से और 9 1 से, ठीक है। अब यहाँ पेयर बन रहा है किसका, ठीक है, यहाँ पेयर बन रहा है 2 into, एक पेयर 2 का बन रहा है ना, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, फिर दूसरा पेयर 2 का बन रहा है और यहाँ 9 का। तो अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसका स्क्वायर रूट आ चुका है, 2 4 9 36, ठीक है। ये 36 टाइम ये गया था घूमने, है ना, और 36 टाइम ये गया, 9 2 18 2 36, 36 टाइम ये घूमने गया था और 36 बार में जो है कुल मिलाकर 1296 रुपया इसने खर्च किए हैं, ठीक है। तो आंसर में क्या आएगा, 36 होगा। देख लेते हैं आंसर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, 3A का क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 36 आंसर आया हुआ है। अब आगे जोड़ देते हैं डेज, है ना, तो ये है इसका आंसर, देख लीजिए। तो आ जाओ भाई सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या करना है। इसने बोला है आउट ऑफ 745 स्टूडेंट्स मैक्सिमम आर टू बी अरेंज्ड इन स्कूल फील्ड फॉर अ पीटी डिस्प्ले सच दैट नंबर ऑफ रॉ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, फाइंड द नंबर ऑफ रॉ इफ 16 स्टूडेंट वेयर लेफ्ट आउट आफ्टर द अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि टोटल स्टूडेंट कितने थे,
745, 745 सभी टोटल स्टूडेंट थे। और ठीक है, और ये इसने यहाँ बोला गया है, नीचे बोला गया इफ 16 स्टूडेंट वेयर लेफ्ट आउट आफ्टर द अरेंजमेंट, ठीक है, उसमें से 16 स्टूडेंट को क्या कर दिया गया है, उस रॉ और कॉलम में से निकाल दिया गया। जब अरेंजमेंट कर रहे थे तो 745 स्टूडेंट में से मैक्सिमम स्टूडेंट को क्या कर दिया गया, अरेंज कर दिया गया इन स्कूल फील्ड, स्कूल के फील्ड में अरेंज कर दिया गया, क्या करने के लिए, पीटी करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद सच दैट नंबर ऑफ रॉ, जैसे जितना कि नंबर ऑफ रॉ था इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रॉ जितना था और नंबर ऑफ कॉलम उतना ही था, ठीक है। और जब इस तरीके से अरेंज कर दिया गया, मतलब कि इस तरीके से अगर नंबर ऑफ रॉ है और नंबर ऑफ कॉलम है, अगर यहाँ 100 स्टूडेंट है, इस तरीके से गिनने पे 100 स्टूडेंट आ रहे हैं, तो इस तरीके से गिनने पे भी 100 स्टूडेंट आ रहे थे, इस तरीके से अरेंज किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से अरेंज किया गया था, और उन सभी स्टूडेंट को अरेंज करने के बाद जो स्टूडेंट बचे, उन स्टूडेंट, वो स्टूडेंट चले गए, कितने स्टूडेंट चले गए, इफ 16 स्टूडेंट वेयर लेफ्ट आउट द आफ्टर द अरेंजमेंट, सभी को अरेंज करने के बाद, रॉ और कॉलम को बराबर करने के बाद जो स्टूडेंट बचे उन, वो जो है चले गए वहां से, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, तो टोटल स्टूडेंट यहां लिख लेते हैं कितने थे, टोटल स्टूडेंट कितने थे, 745, और कितने स्टूडेंट चले गए अरेंजमेंट करने के बाद, 16 स्टूडेंट वेयर लेफ्ट आउट आफ्टर अरेंजमेंट। तो यहां लिख सकते हैं लेफ्ट आउट स्टूडेंट, जो स्टूडेंट चले गए वो कितने थे, 16, ठीक है। तो जब 745 में से 16 चले गए, तो 16 को हम क्या कर देंगे, 745 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना बचा, ये हो जाएगा 15 में से 6 गया, 9 बचेगा, 9 6 15 हो गया, ये हो गया 3, 3 में से 1 गया, 2 बचा, और यहाँ 729 बचा, है ना। इसी का हम अगर वो निकाल देंगे स्क्वायर रूट, ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर, इतना बचा। अब इन्हीं को हमें किस में करना है, बराबर बराबर, मतलब कि इक्वल रॉ और इक्वल कॉलम में अरेंज करना है, तो ऐसा करने के लिए इसका हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो हम यहां लिख सकते हैं रॉ इज इक्वल टू कॉलम, ठीक है, रॉ इक्वल टू कॉलम हो जाएगा, तो इसको 729 को हम रूट में लिख सकते हैं। तो अब हम निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो 729 का, तो ये किससे जाएगा, लास्ट में 9 है, तो 3 से शायद जा सकता है, 3 2 जा 6 1 बचा, ये 12 होगा, 3 4 जा 12 हो गया, 3 3 जा 9, और 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, ठीक है, और 27 81, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, ये हो गया। अब देखेंगे यहाँ पेयर बना, यहाँ पेयर बना, यहाँ पेयर बना, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, एक पेयर 3 का, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर, तो ये 3 3 जा 9 3 जा 27, तो ये आ गया इसका 3 3 का 9 3 27, ठीक है, तो ये हो गया इसका 729 का स्क्वायर रूट, आंसर में आया है 27, ठीक है। देख लेते हैं आंसर, यही दिया गया होगा, क्या है ये 3A का क्वेश्चन नंबर 9 है, है ना, क्वेश्चन नंबर 9, 27 आया हुआ है आंसर, देख लीजिए। तो आ जा भाई सॉल्व करते हैं, तो इसने क्या बोला है, इफ अंडर रूट 784, ये है 84, 7.84 ये भी होगा, इफ
अंडरवुड 784 इक्वल टू 28, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन दोनों का हमें वैल्यू निकालना है। और हिंट में इसने क्या दिया गया है, अंडरवुड 784 का मतलब 28 होगा, इसका स्क्वायर रूट 28 होगा, हिंट में दिया गया है। तो इन सभी का आंसर क्या होगा ये बताना है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन, रूट के अंदर दिया गया है 784 दिया गया है, और दूसरे रूट में दिया गया है 784 00, ठीक है। तो सॉल्व कैसे होगा हमें ध्यान देना होगा, ये 784 है, और अगर इसको डेसिमल हमको अगर न ध्यान दें तो ये भी 784 लगेगा, है ना। तो जब इसका 28 है तो इसका भी हम 28 मान लेते हैं। अगर अब ध्यान देंगे इसके डेसिमल पे, तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 1, 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, और जब ये इसका ये रूट हटा देंगे इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो डेसिमल 2 डिजिट की जगह 1 डिजिट पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.8। ये तो सॉल्व हो चुका है। अब सॉल्व करते हैं इस वाले को, और ध्यान देते हैं सिर्फ इतने पे, 784 पे। तो 784 का स्क्वायर रूट क्या है, 28, ठीक है। तो 28 लगा दिया, और यहाँ जो है स्क्वायर के, यहाँ जो 2 2 2 0 था, तो जब इसका स्क्वायर रूट निकल गया तो 20 की जगह 10 यहाँ लग जाएगा, और इसको ऐड कर देंगे आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्या हो गया, 282.8 ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट वाला आंसर। तो देखते हैं आंसर यही दिया गया है कि कुछ और दिया गया है, है ना। तो 3A का 282.8 यही आंसर दिया गया है, ठीक है। बहुत आसानी से ये हो गया सॉल्व। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब सॉल्व करेंगे सेकंड वाला। क्या दिया गया है, रूट के अंदर है 0.0784, है ना, और दूसरे वाले रूट में दिया गया है 0.000784। अब देखते हैं सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखेंगे अगर इस डेसिमल को हटा दिया जाए, अगर इस पे ध्यान न दे, तो ये क्या लगेगा, ये लगेगा 784, है ना, ये लगेगा 784। तो 784 का क्या है, रूट 28 होता है, तो इसका भी 28 मान लेते हैं। अब ध्यान देंगे इसके डेसिमल पे, डेसिमल कितने डिजिट पे है, 1, 2, 3, 4 डिजिट पे डेसिमल है, तो इसका जब स्क्वायर रूट हो जाएगा तो 4 डिजिट पे जो डेसिमल है हो जाएगा 2 डिजिट पे, तो 1, 2, 2 डिजिट पे डेसिमल यहाँ लगा देते हैं, है ना। तो डेसिमल के बाद 0 तो होता ही है, तो ये हो चुका है इसका स्क्वायर रूट। अब करेंगे इसका स्क्वायर रूट, इसका भी अगर डेसिमल अगर हम भूल जाएं, तो यहाँ जो है 784 यहाँ भी है, तो 784 का स्क्वायर रूट क्या है, 28 यहाँ भी मान लेते हैं बिना डेसिमल के। अब ध्यान देते हैं इसके डेसिमल पे, डेसिमल कितने डिजिट पे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे डेसिमल है, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 6 डिजिट पे डेसिमल है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 6 के जगह ये 3 डिजिट पे यहाँ डेसिमल लगेगा स्क्वायर रूट होने के बाद। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट पे डेसिमल था, यहाँ 3 डिजिट पे डेसिमल लगेगा, 1, 2 यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा 3 डिजिट बनाने के लिए, यहाँ फिर डेसिमल लगेगा, डेसिमल के बाद 0 लगता है। अब क्या कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायर रूट हो चुका है, इन दोनों को अब हम कर लेते हैं क्या ऐड, ठीक है। तो करते हैं ऐड, तो यहाँ डेसिमल के बाद इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन तरीके 0.028 इस तरीके से, और 0.28 है, यहाँ 0 लगा लेते हैं, 0 इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 8, 8, 2, 10 हो गया, 1 बचा, 2, 1, 3 हो गया, और यह गया 0 हो गया ये, ठीक है, 0.308 है ना। तो 0.308 हो सकता है यही आंसर हो, देख लेते हैं, 8 हो, 8, 2, 10 हो गया, 1 बचा, 2, 1, 3 हो गया, चलो 0.308 ये है इसका आंसर। देख लेते हैं आंसर यही दिया गया है कि कुछ और, ठीक है। तो ये है 0.308 ये है इसका आंसर, और यही है सही, ठीक है।
तो देख लीजिए आंसर। अब आई मुद्दे की बात, बात समझ में आई तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, बाय।